अगर तो बैक्टीरिया हो तो फिर तो उसको फिक्स करना लाजमी होता है, बैक्टीरिया को फिक्स करना लाजमी है। यीस्ट को फिक्स ना भी किया जाए तो गुजारा हो सकता है, लेकिन ये बंद हो गया क्योंकि बैक्टीरिया के लिए फिक्सेशन लाजमी है, यीस्ट को फिक्स करना उस तरीके से ज़रूरी नहीं है, इसका रिजल्ट ऐसे भी आ जाएगा। ये मेरे दोनों पे इसको नाम चेक कर लीजिएगा, क्रिस्टल वायर जी सर, लारा नाम फिर है जी सर, उसने अपना हाथ पीछे ये प्राइमरी डाइट कहलाती है। अब इसको मुझे स्प्रेड भी करना है, ये मैं इसके साथ इसको स्प्रेड करती हूँ ताकि वो जहाँ जहाँ पे यीस्ट मौजूद है वहाँ पे हम इसको पहले सब ड्रेन, मैंने इसको जस्ट ऐसे ड्रेन कर दिया और इसको भी जो बहुत एक्स्ट्रा था वो मैंने ड्रेन कर दिया। ये टैंक जो हम यहाँ पे कर रहे हैं ये यूनिवर्सिटी में जार्स होते हैं उनके अंदर ड्रिप करके किया जा सकता है। हमारा सेकंड स्टेप है इसमें हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाल रहे हैं एज मॉडरेट, अब लफ्ज़ बड़ा है पहले से आयोडीन सॉल्यूशन डालना है एज मॉडरेट। अब मैं जैसे इसको डालूंगा आपको खुद कुछ नजर आ जाएगा, मैंने बताया आप बताएंगे आप क्या नोट कर रहे हैं, चेंज है बल्कि और कुछ देखें वो उस पर शाइन नजर आ रहा है। दिस इज आयोडीन सॉल्यूशन, इसको ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन या लिग्योल आयोडीन सॉल्यूशन का नाम भी देता है। इसको तस्वीर बल्कि इसको वीडियो में इसको जरा गौर से देखें ये नजर आना चाहिए, इसके ऊपर स्पेसिफिक शाइनिंग सिर्फ का स्टंप है। ऑयल नहीं, जैसे ऑयल करता है यानी कि शाइनिंग नजर आ रहा है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उसके नीचे एक कलर, दूसरा ये है और ये स्पेसिफिक लाइट को आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन की थ्योरी क्या होती है। इसको मैंने रिंस कर दिया इसके ऊपर से, इस तरह से रिंस करके उतार दिए हैं और ऐसे ही रिंस पे था इसको भी रिमूव कर दिया। स्टॉप, इसको इस तरह से रिंस करने के बाद इसको पानी से वॉश भी कर दिया, ये डिप पानी में डिप करके भी वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमने इसको अल्कोहल, ये अल्कोहल है, अल्कोहल के अलावा आप एसीटोन या किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ इसको डीकलराइज, हम लोग ये बात करते हैं डीकलराइज। एक्चुअली ये देखिए मैंने इसके ऊपर जब डाली है तो आप देखेंगे इसका कलर कैसा हो गया, ब्लू या वो क्रिस्टल वाइट वाला कलर देगा। इसको मैं डालता जा रहा हूँ और उसको मैं रिमूव करता जा रहा हूँ एक साफ हो और ऐसे ही मैंने इसको भी अल्कोहल एसीटोन ईथर, यू कैन यूज एनी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आप सुनते हैं लिक्विड को डिजॉल्व कर लेते हैं और उसमें स्टेन भी डिजॉल्व हो जाता है। जी एक बार फिर इसका क्रॉस का चक्कर हुआ था जी सर।